जिला नियोजन भवन में जिला विधि सेवा प्राधिकरण भंडारा, जिला परिषद के शिक्षा विभाग और जिला महिला एवं बाल विकास कार्यालय इनके संयुक्त विद्यमान से सुरक्षित स्पर्श और असुरक्षित स्पर्श एवं सत्यनिष्ठा पर शिविर लिया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष और उद्घाटन के रूप में मुख्य जिला व सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधि सेवा प्राधिकरण भंडारा अध्यक्ष राजेश असमर, मुख्य उपस्थिति जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर, तो वहीं मार्गदर्शक के रूप में चीफ ट्रांसलेटर एजुकेशनल युवा रूरल एसोसिएशन भंडारा के वर्णाली घोष, प्रशिक्षक सार्थक प्रकल्प प्लान इंडिया के प्रियंका सिन्हा मैडम उपस्थित थे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच पर मान्यवरों को पौधा देकर सम्मानित किया गया। आगे शिक्षक और शिक्षिका इनको मार्गदर्शन करते हुए मुख्य जिला सत्र न्यायाधीश राजेश असमर ने गुड टच और बैड टच के बारे में बताया। जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर और एसपी लोहित मतानी ने छोटे बच्चे छात्र के बारे में बताया कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये सब शिक्षक छात्राओं और बच्चों को पढ़ाने से अपराध कम होंगे और सतर्क रहेंगे, ऐसी जानकारी दी। कार्यक्रम आभार जिला विधि सेवा प्राधिकरण भंडारा के सचिव एवं न्यायाधीश बीबी गवारे इन्होंने माना। मार्गदर्शन प्रास्ताविक ताकोली पुलिस स्टेशन में तानगढ़ी करके गांव है, तानगढ़ी के पास में पापड़ा करके गांव है, वहां पर भी एक 8 साल की लड़की के साथ जो रेप एंड मर्डर का केस हुआ उसको भी पहले बैक टेस्ट किया जाता था। और जब उसको लगा कि ये मेरी जो मैं जो आरोपी को लगा कि जो मैं उसके साथ कर रहा हूँ ओपन हो जाएगा, तब उसने फाइनली उसका रेप एंड मर्डर किया। अच्छा सोफिया कौशिक गुडटच बैड टच काय आहे हे आपण समजून सांगू शकलो का हा प्रश्न आपण विचारतो पाहिजे, आणि असेल तर त्या दृष्टीने आपण अजून काय करू शकतो। कारण हे लक्षात घ्या की मोठं झाल्यावर आपल्या या सगळ्या संवेदना असतील, आपली सगळी जाणीव असेल ही स्ट्रॉंग होत असते। पण एखाद्या लहान पालकाला जसं एस पी साहेबांनी अनेक केसेस तिथे सविस्तर सांगितल्या, एखाद्या लहान पालकाला त्याची जाणीव कशी होईल आणि त्याचं रिपोर्टिंग करण्याचं पण धारिष्ट कसं येईल याकडे आपण लक्ष द्यायची गरज आहे। भंडारासारख्या छोट्या जिल्ह्यामध्ये माझ्याकडे 18 वर्षापेक्षा कमी वर्ष वयाच्या बालकांनी बालिकांमधील अत्याचाराच्या सुमारे 2200 केसेस आता पेंडिंग आहेत। तर इतर केसेसचा मी विचार केला तर इतर गुन्ह्यांमध्ये जी सेशन ट्रायल केसेस म्हणून आपण ज्याला की त्याची एक फ्रिक्वेन्सी जास्त असेल किंवा गांभीर्य जास्त असेल, तर अशा माझ्याकडे 1000 केसेस असतील तर त्यातल्या 2200 केसेस या बाललैंगिक अत्याचारावरील गुन्ह्यांच्या केसेस आहेत। या केसेस झाल्या फक्त ज्या पोलीस यंत्रणेकडे तक्रार केलेल्या त्या केसेस, बीसीएन न्यूज के लिए भंडारा से सुरेंद्र चिंदालोरी की रिपोर्ट।